Now we are going to learn subject ENV, lesson 5. My family, यानी कि मेरा परिवार. तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? D words. PEOPLE, people. People यानी कि लोग. RELATED, related. Related यानी संबंधित. 3. OTHER, other. Other यानी अन्य या दूसरा. 4. FAMILIES, families. फैमिलीज यानी कि परिवार. जब एक से ज्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? परिवारों. फिर 5th, EARNS, earns. earns यानी कमाना. 6th, MONEY, money. money यानी कि पैसे. 7. SUPPORT, support. support यानी सहयोग, यानी कि help. 8. LOOKS, looks. looks यानी देखना. 9. DELICIOUS, delicious. delicious यानी स्वादिष्ट, यानी कि tasty. 10. OLDEST, oldest. oldest यानी कि पुराना. 11. TELLS, tells. tells यानी कहना. 12. STORIES, stories. stories यानी कहानियां. 13. BROTHERS, brothers. brothers यानी कि भाई. जब एक से ज्यादा भाई हो तो क्या होता है उसका? पीछे S, यानी कि भाई O. फिर 14. SISTERS, sisters. sisters यानी कि बहने. 15. SIBLINGS, siblings. siblings यानी कि भाई या बहन. 16. OBEY, obey. obey यानी कि आज्ञा का पालन करना. 17. PARENTS, parents. parents यानी कि हमारे मम्मा और पापा, यानी कि माता पिता. 18. RESPECT, respect. respect यानी कि आदर करना या फिर सम्मान करना. 19. ELDERS, elders. elders यानी कि बड़े, यानी कि जो हमसे बड़े होते हैं वो. 20. PERMISSION, permission. permission यानी अनुमति. 21. SOMEWHERE, somewhere. somewhere यानी कहीं. Let's repeat again. People, related, other, families, earns, money, support, looks, delicious, oldest, tells, stories, brothers,
सिस्टर्स, सिबलिंग, ओबे, पेरेंट्स, रिस्पेक्ट, एल्डर्स, परमिशन, समवेयर. नाउ वी लर्न लेसन 5, माय फैमिली. डू यू रिमेंबर व्हाट आर द नेम्स ऑफ द पीपल हु स्टे विथ यू इन योर हाउस? लिस्ट देम इन द स्पेस गिवन बिलो. आपको यहाँ पे आपकी फैमिली में जितने लोग रहते हैं उतने लोगों के यहाँ पे नेम लिखने हैं. मीनिंग ऑफ अ फैमिली, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिव टूगेदर मेक अ फैमिली. मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें लोग एक दूसरे के साथ रिलेशन में होते हैं और एक साथ रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फैमिली. टाइप्स ऑफ फैमिलीज, सम फैमिलीज आर बिग वाइल सम आर स्मॉल. कुछ फैमिलीज बिग होती है और कुछ स्मॉल. अ फैमिली इन विच फादर, मदर एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली. स्मॉल फैमिली में कौन कौन रहता है? फादर, मदर एंड चिल्ड्रन, उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल फैमिली. देखो यहाँ पे है फादर, मदर और ये दोनों बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, तो ये फैमिली कैसी है? स्मॉल फैमिली. लेट अस डू पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली इन द बॉक्स गिवन अलोंगसाइड. आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, उसमें आपको आपके फैमिली का फोटो चिपकाना है. दिस इज माई फैमिली, ये मेरा परिवार है. मतलब आप यहाँ पे जो फोटो चिपकाओगे वो. अ फैमिली इन विच ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ बिग फैमिली. तो बिग फैमिली किसे कहते हैं? जिस फैमिली में दादा, दादी, मम्मा, पापा, अंकल, आंट्स और हमारे जो कजिन्स होते हैं यानी कि हमारे अंकल आंटी के जो बेबीज होते हैं वो भी हमारे साथ में रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बिग फैमिली. देखो यहाँ पे बिग फैमिली का पिक्चर दिया है, है? देखो यहाँ पे दादी है, दादा है, फिर देखो उसके मम्मा, पापा, बच्चे, अंकल आंटी है, सब लोग इसमें. यस, डू यू नो देर आर मैनी सिंगल पेरेंट फैमिलीज. मतलब कुछ फैमिलीज ऐसे भी होती है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट होते हैं. इन सच फैमिलीज आइदर द मदर और द फादर लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन. मतलब ऐसी फैमिली जो होती है उसमें या तो फिर मम्मा उसकी केयर करती है बच्चे की या तो फिर पापा उसकी केयर करते हैं बच्चे की. उसकी फैमिली में और कोई होता नहीं है. लेट अस डू दिस इज माई फादर्स पिक्चर. आपको यहाँ पे जो बॉक्स दिया है उसमें आपको यहाँ पे आपके फादर का पिक्चर चिपकाना है. हीज नेम इज, मतलब आपको यहाँ पे आपके पापा का नेम लिखना है. आई कॉल हीम, मतलब आप उसको क्या बोलते हो? पापा, डैड, जो भी बोलते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है. आई लव टू ब्लैंक विथ हीम, मतलब आपको उसके साथ क्या अच्छा लगता है? खेलना, टीवी देखना, घूमने जाना, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपको यहाँ पे लिखना है. दिस इज माय मदर्स पिक्चर, मतलब आपको इस बॉक्स में आपके मदर का पिक्चर चिपकाना है. हर नेम इज, और यहाँ पे आपको उसका नेम लिखना है. आई कॉल हर, आप उसको क्या बोलते हैं? मोम, माँ, जो भी बोलते हो वो यहाँ पे लिखना है. आई लव टू ब्लैंक विथ हर, आपको यहाँ पे उसके साथ जो भी करना अच्छा लगता है, खेलना, खाना खाना, जो भी अच्छा लगता है वो आपको यहाँ पे लिखना है. टाइम टू आंसर, सर्कल द नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली. मतलब आपकी फैमिली में जितने भी फैमिली मेंबर्स है उतने नंबर पे आपको सर्कल करना है.
सेकंड, इन व्हाट टाइप ऑफ फैमिली डू यू लिव, मतलब आपकी फैमिली कौन से टाइप की है, बिग फैमिली है या स्मॉल फैमिली, वो आपको यहाँ पे लिखना है। रोल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, फादर अर्न्स मनी टू सपोर्ट द फैमिली, मतलब पापा है वो पैसे कमाते हैं ताकि वो फैमिली को सपोर्ट करे। ही ऑल्सो हेल्प्स चिल्ड्रन विथ स्टडीज, वो बच्चों को पढ़ने में भी हेल्प करते हैं। ही हेल्प्स मदर विथ द वर्क एट होम टू, मतलब वो घर के कामों में भी मम्मा की मदद करते हैं। फिर ये किसका पिक्चर है, मदर, मदर लुक्स आफ्टर द हाउस, मॉम क्या करती है, घर देखती है। शी ऑल्सो अर्न्स मनी टू सपोर्ट द फैमिली, मम्मा भी है वो पैसे कमाती है ताकि वो फैमिली को सपोर्ट कर पाए। शी कुक्स डिलीशियस फूड फॉर द फैमिली, वो फैमिली के लिए बहुत ही टेस्टी यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकाती है। डिलीशियस यानी कि बहुत ही टेस्टी। The father of our mother or father is called our grandfather. तो देखो आपको यहाँ पे grandfather का picture भी दिया है। Yes, grandfather किसे कहते हैं? जो हमारे मम्मा और पापा के भी पापा होते हैं उसको क्या बोलते हैं? Grandfather. Grandfather is the oldest member of the family. यानी कि जो ग्रैंडफादर है वो हमारी फैमिली के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं। ही लव्स टू टेक अस आउट फॉर अ वॉक, यानी कि उसको बहुत ही अच्छा लगता है जब वो हमें बाहर चलने के लिए लेके जाते हैं। फिर देखो ये किसका पिक्चर है, ग्रैंडमदर, द मदर ऑफ अवर मदर और फादर इज कॉल्ड अवर ग्रैंडमदर, मतलब जो हमारी मम्मा और पापा के भी मम्मा होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर टेल्स अस स्टोरीज, यानी कि जो हमारी दादी है वो हमें क्या सुनाती है, स्टोरीज। फिर देखो यहाँ पे ये क्या है, ऐसे कौन से मेंबर होंगे हमारी फैमिली के, ब्रदर्स और सिस्टर्स है ना। Yes, our brothers and sisters are called our siblings. यानी कि जो हमारे भाई और बहनें होती है उसको क्या बोलते हैं, siblings. They play with us. वो हमारे साथ खेलते हैं. Time to answer. Who does the following work in your family? Write the name of the family member in the box. मतलब आपके फैमिली में ये जो यहाँ पे लिस्ट दिए है ये वर्क कौन करता है उसके नेम आपको इस बॉक्सेस में लिखने हैं। फर्स्ट, ब्रिंग्स मिल्क, यानी कि दूध कौन लेके आता है वो यहाँ पे लिखना है। वॉशेस क्लोथ्स, यानी कि कपड़े कौन धोता है वो यहाँ पे लिखना है। वाटर्स द प्लांट, यानी कि जो प्लांट यानी कि पौधे है उसको पानी कौन देता है वो यहाँ पे लिखना है। टेक्स यू फॉर अ वॉल, यानी कि आपको चलने के लिए यानी कि घूमने के लिए कौन लेके जाता है वो यहाँ पे लिखना है। टेल्स स्टोरीज, आपको स्टोरी कौन सुनाता है वो यहाँ पे लिखना है। गोल्डन रूल्स, वी मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स, यानी कि हमें हमारे पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिर सेकेंड, We must help our mother to keep the house clean. में घर साफ रखने के लिए हमें हमारी मम्मा की हेल्प करनी चाहिए। थर्ड, We must share work at home. हमें हमारे घर का जो सारा वर्क है वो शेयर करना चाहिए। फोर, We should always respect our elders. हमें हमारे बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। 5. We must take permission of adults in the family before going out somewhere.
हमें हमारे घर के कहीं से भी बाहर जाना है तब हमें हमारे बड़ों की परमिशन लेनी चाहिए। टाइम टू आंसर। टिक द थिंग्स विच यू शुड डू विथ योर फैमिली, मतलब आपको ऐसी चीज में टिक करना है जो आप आपकी फैमिली के साथ करते हो। फर्स्ट, ओबे योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हो? यस, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। सेकंड, वी मस्ट नॉट शेयर वर्क एट होम, हमें हमारे घर पे हमारा जो वर्क है वो शेयर नहीं करना चाहिए, आप ऐसा करते हो? नो, तो इसमें कुछ नहीं करना है। डू नॉट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, क्या आप अपनों से बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते हो? करते हो ना, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। की टर्म्स, पेरेंट, योर मदर और फादर, पेरेंट किसे बोलते हैं? आपकी मम्मा और पापा को। ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑफ योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट यानी कि हमारे दादा दादी, वो किसे कहते हैं? हमारे पेरेंट्स यानी कि मम्मा पापा के जो मम्मा पापा होते हैं उसे। सिबलिंग, अ ब्रदर और सिस्टर, यानी कि हमारे भाई या बहन को सिबलिंग कहते हैं। नाउ आई नो, अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिविंग टूगेदर फॉर्म अ फैमिली, है ना, जहाँ पे ऐसा पीपल का ग्रुप जो एक दूसरे के साथ रिलेशन में होते हैं और एक साथ में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? फैमिली। अ फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल, यानी कि फैमिली छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली प्लेज अ डिफरेंट रोल, यानी कि हमारे फैमिली के सभी लोग जो होते हैं, सभी मेंबर्स जो होते हैं वो अपना अपना रोल करते हैं, यानी कि अपना अपना वर्क करते हैं। वी मस्ट हेल्प अवर पेरेंट्स इन हाउस वर्क, यानी कि हमें घर काम में हमारे पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। लेट अस प्रैक्टिस। ए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, पेरेंट्स स्मॉल शेयर फैमिली। आई लिव विथ माई, आप किसके साथ रहते हैं? यस, पेरेंट्स के साथ। तो पेरेंट्स का स्पेलिंग क्या होता है? देखो यहाँ पे दिया है पी ए आर ई एन टी एस, वो आपको यहाँ पे लिखना है पी ए आर ई एन टी एस, पेरेंट्स। सेकेंड, वी मस्ट हेल्प अवर ब्लैंक टू कीप द हाउस क्लीन, मतलब हमें क्या करना चाहिए हाउस को क्लीन करने के लिए? पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, उसमें से ऑप्शन क्या होगा? स्मॉल शेयर या फैमिली? यस, फैमिली। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ए एम आई एल वाई, फैमिली। अ फैमिली इन विच ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज अ ब्लैंक फैमिली, ऐसी कौन सी फैमिली होती है जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे साथ में रहते हैं? बिग फैमिली या स्मॉल फैमिली? यस, स्मॉल फैमिली। तो यहाँ पे लिखेंगे एस एम ए डबल एल, स्मॉल है यहाँ पे, अभी स्मॉल आ गया, फिर पेरेंट्स भी आ गया और फैमिली भी डन, अभी क्या बचा? शेयर। पीपल इन अ फैमिली ब्लैंक द हाउस वर्क, तो यहाँ पे क्या आएगा? शेयर, यानी कि फैमिली में जितने भी सारे लोग होते हैं वो वर्क को शेयर करते हैं, जो घर का काम होता है उसको आपस में बांट लेते हैं। क्वेश्चन बी, टिक इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एंड क्रॉस इफ इट इज रॉन्ग, अगर सही है तो इसमें टिक करना है और अगर सेंटेंस गलत है तो इसमें क्रॉस करना है। फर्स्ट, अ फैमिली कैन बी स्मॉल और बिग, यानी कि जो एक फैमिली होती है वो स्मॉल भी हो सकती है और बिग भी हो सकती है। यस, तो यहाँ पे राइट।
मदर्स यूजली कुक फूड फॉर द फैमिली, यानी कि जो मम्मा है वो हमारे घर के लिए खाना पकाती है. यस, तो यहाँ पे टिक. द फादर ऑफ योर फादर इज कॉल्ड ग्रैंडफादर, यानी कि जो आपके पापा है उसके पापा को दादा बोलते हैं. यस, तो यहाँ पे टिक. वी शुड नॉट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें हमारे हम बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, ये तो गलत है. तो यहाँ पे क्रॉस. टिक द राइट वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस, मतलब हमें यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए जो सही ऑप्शन है उसमें टिक करना है. फादर बाइज थिंग्स या नथिंग फॉर द फैमिली, यानी कि जो फादर है वो हमारे घर के लिए चीज़ें लेके आते हैं या कुछ भी नहीं लेके आते हैं, चीज़ें लेके आते हैं ना, तो थिंग्स. सेकंड, पेरेंट्स लव या हेट देयर चिल्ड्रन, आपके पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं या नफरत करते हैं. यस, प्यार करते हैं ना, तो यहाँ पे टिक लव में. थ्री, मदर हेल्प्स या डज नॉट हेल्प हर चिल्ड्रन इन देयर होमवर्क, यानी कि जो आपकी मम्मा है वो आपको हेल्प करती है होमवर्क करने में या होमवर्क में हेल्प नहीं करती है, करती है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, हेल्प्स. चिल्ड्रन शुड डिस ओबे या ओबे देयर पेरेंट्स, यानी कि बच्चे हैं वो अपनी पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं ना, तो यहाँ पे ओबे. आंसर दिस क्वेश्चंस. फर्स्ट, राइट वन गोल्डन रूल अबाउट द फैमिली, मतलब हमें हमारी फैमिली के बारे में जो एक गोल्डन रूल होता है वो लिखना है. वी मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स. टू, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज. देर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज, फर्स्ट स्मॉल फैमिली एंड सेकेंड बिग फैमिली. थर्ड, वॉट इज अ फैमिली. अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिव टुगेदर मेक अ फैमिली, यानी कि एक फैमिली का ऐसा ग्रुप जो एक दूसरे के साथ, जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं और एक साथ रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फैमिली. फोर, वो आर योर सिबलिंग्स, आपका सिबलिंग्स कौन है. अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी कि हमारे भाई और बहन.